दाना चक्रवाती तूफान तो गुजर गया है, तबाही के निशान है, और अब जबकि लोग अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घरों को क्या नुकसान पहुंचा है। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने घरों को, अपने संसाधनों को सुरक्षित करने का इंतजाम किया हुआ था। अजीत हमारे साथ में मौजूद है। अजीत, अब तो इस वक्त तो सिर्फ तबाही के निशान ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी, कितनी तबाही हुई है, क्या है तबाही? तो मतलब कच्चा घर टूट गया है और पानी भी इधर आ गया था, हम लोग डर गया था, लेकिन हाँ। पानी इतना नहीं हुआ है। हाँ। बाद में हमारा जो पेड़ पौधा जो भी था वो खत्म हो गया, और धान का तो हम लोग का एक साल का पूरा खाने का वो खत्म हो गया। एक साल के खाने का धान जो आप लोगों ने बोया हुआ था वो धान अभी पूरा हो गया ना, वो हाँ। अभी वो फूल हुआ था, वो फूल नष्ट हो गया, इसीलिए वो खराब हो जाएगा ना। तो साल भर का जो आपका आपने पैदावार अपनी की थी खाने के लिए वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। घर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? घर को थोड़ा हम लोग का नहीं हुआ है, लेकिन वो जो गांव का रहने के लिए वो थोड़ा सा जानवर के लिए तकलीफ था। हाँ। ये सब। अच्छा, उसके अलावा लेकिन इस सब के बीच में एक राहत की बात ये जरूर कही जाएगी ना कि किसी की जान नहीं गई, इंसान को बचाया गया, जानवर को बचाया गया। वो कैसे बचाया गया? वो देखिए, हम लोग का सब लोग का मतलब हमारा यंग जवान और आप लोग और हमारा रेस्क्यू करने के लिए जो ऊपर से आए थे और हम लोग का जो प्रतिनिधि और सब हाँ। सारे लोग हम एक साथ जुट के सब लोग को जो बुद्ध आदमी है उन लोग को लेके मतलब साइक्लोन सेंटर में हाँ। रखा गया है, आराम से उन लोग को खाना पीना दिया, ठीक ठाक रहेगा ना। तो साइक्लोन सेंटर में क्या क्या सुविधाएं वैसे दी जा रही है, और कितने दिनों पहले शिफ्ट कर दिया गया और कितने दिन तक रहना? ओ, एक दिन का पहले से शिफ्ट कर रखा है। ठीक है। और खाने का भी 3 टाइम दे रहा है, मैं सुना हूँ, मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन सुना हूँ। हाँ। खाने का भी इंतजाम किया है। हाँ। खाने का इंतजाम किया है, उसके अलावा जो है बाकी खाना सोना बैठना सब है वहाँ पर। सब बच्चों को भी उधर ले गया ना, बच्चों को भी ले गया साइक्लोन सेंटर को। तो अगर इस तरीके से लोगों को नहीं हटाया गया होता तो हादसा हो सकता, तकलीफ में रहते हैं लोग, किसी की जान जा सकता है भी। कच्चा घर में रहेगा तो पेड़ एक मेरा जैसे देखे पेड़ टूट गया है, ये पेड़ घर के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, आदमी लोग क्या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कदम उठाए गए लोगों को पहले एहतियात लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, आप लोग अपने घरों से चले जाइए, आसपास मत आइए, समुद्र के पास में मत जाइए, तो उसका फायदा मिला है? मिला है ना, फायदा मिला है ना हम लोग को, वो बोलने से लोग को वो न्यूज मिला तो सब लोग बराबर तरीका से जाके उधर रहने के लिए। तो देखिए, अजीत हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन ने कदम उठाए थे उसका इन लोगों को फ़ायदा मिला है। अब अपने घरों में पहुंच रहे हैं जबकि तूफान गुजर चुका है, और देखिए घर के ऊपर जो है पन्नी लगाई हुई थी मेन गेट के ऊपर जिससे कि अंदर पानी ना जाए, अब जो है वो पन्नी हटाई गई है। घर के अंदर तो कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं हुआ है, वो पानी फानी डोर पर इतना हवा तेज से हो रहा था, डोर पर उधर से जो भी छोटा छेद ही रहेगा तो पानी अंदर घुस रहा है, पानी अंदर जा रहा था, घरों में पानी अंदर जरूर पहुंचा है। लेकिन गनीमत ये रही है जो पक्के मकान हैं वो जो है सुरक्षित हैं, लेकिन कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जान लोगों की जान सुरक्षित की गई है, जो गाँव के जो लोग थे उनको रिलीफ सेंटर में साइक्लोन सेंटर में ले जाया गया है, और वहाँ पर जा करके उनको सुरक्षित रखा गया है, खाने पीने का इंतज़ाम है वहाँ पर, जो है जो महिलाएँ हैं बच्चे हैं उनको लेकर के खास इंतज़ाम किए गए हैं, और वो एक बड़ा फैक्टर रहा है जो कि इस तूफान से लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज उड़ीसा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।